सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। वक्त जब किस्मत और हालात साथ ना दे, तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। हार मान कर बैठने से सफलता हाथ नहीं लगेगी, बल्कि खड़े उठकर फिर से कोशिश करने से सफलता हाथ लगेगी। आज का पंचांग 5 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात्रि 11:14 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 2:23 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:10 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 9:04 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का समय प्रातः काल मुहूर्त सुबह 6:36 से 8:46 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा संध्या काल मुहूर्त दोपहर 3:22 से 5:33 तक रहेगा। वृषभ राशि 5 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, आप आज होने वाली घटनाओं के कारण कई तरह की उल्टी सीधी सूचनाओं के कारण और कई तरह की उल्टी सीधी सूचनाओं के कारण खुद को उलझन में फंसा हुआ अनुभव करेंगी। इस समय आपका सही मार्गदर्शन आपकी मन की आवाज ही कर सकती है। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं। घर में निकट संबंधियों की आवाजाही रहेगी। आज कोई रुका हुआ पैसा हासिल हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। अपने महत्वपूर्ण काम दिन के प्रथम पक्ष में ही पूरे करने का प्रयास करें। इस समय ग्रह स्थितियां उत्तम बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को सुकून और खुशी देगी। लोगों के गलत व्यवहार से नकारात्मक महसूस होगा, लेकिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है ये भी आप जल्दी समझ जाएंगे। अपने प्रयत्नों से जीवन बेहतर अवश्य प्राप्त होंगे अपने प्रयत्नों से जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। नए लोगों के साथ हो रही जान पहचान भी सकारात्मकता बढ़ा सकती है। यश प्राप्त होगा। छोटे मोटे तनाव के कारण काम को नजरअंदाज ना करें। पारिवारिक समस्याओं की चर्चा करते समय विवाद हो सकते हैं, सामंजस्य बनाए रखें। पैर की तकलीफ भी हो सकती है, सावधानी। दोपहर बाद कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलने से घर में उदासी भरा माहौल रहेगा। अपने कार्यों को ध्यान से पूरा करें, जरा सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। पैसों की उधारी बिल्कुल ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। ये समय हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए है। आज के दिन प्रेम और अपने साथी के साथ मजे करने के लिए अति उत्तम है। हालांकि आपकी चिंताओं का अंत नहीं होगा, परंतु ये खुशनुमा पल आपको थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी से दूर ले जाएंगे, क्योंकि आप इस समय को खुशी से बिताएंगे। जो लोग अकेले हैं उन्हें सामाजिक समारोह में संभावित दीर्घकालीन भागीदारी की प्राप्ति हो सकती है। पति पत्नी के संबंध मधुर भी रहेंगे। अपने कार्यों में जीवन साथी की सलाह लेना भाग्योदय कारक रहेगा।
बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको भारी वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। आज स्त्री वर्ग अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल भी रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को उचित बोनस मिलने की भी संभावना है। बात करते हैं सेहत की। देखा जाए तो आपको अपने दिमाग को लचीली स्थिति में रखना चाहिए, लेकिन आज आप पुरानी बातों को याद करते रहेंगे और न तो अपने मन के सुनेंगे और न ही किसी की अच्छी सलाह मानेंगे। आपकी इस जिद्दीपन से घर और ऑफिस में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने दिमाग को खुला रखें और दूसरे लोगों की भी बातें सुनने और समझने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। गाय की पूजा भी करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।